मॉर्निंग फूड ब्लॉग। आज मैं बनाने जा रही हूँ चना दाल की इडली। तो हमने यहाँ पर एक कप चना दाल लिया है और आधा कटोरी हमने यहाँ पर सूजी लिया है और ये चार बड़े चम्मच दही है, इनो पाउडर और शुगर। आप चाहें तो फूड कलर भी दे सकते हैं, मगर फूड कलर ऑप्शनल है, आप चाहें तो दें नहीं तो नहीं दे सकते, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम इसलिए चने दाल को एक अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बना लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम चना दाल को लेंगे और अपने मिक्सी जार में ऐड कर देंगे। इस तरह से हम डाल देंगे चने दाल को। ये दही है, इसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे और ये हमने सूजी लिया था आधा कटोरी, इसे भी हम इसमें ऐड करके इसे ग्राइंड करेंगे। थोड़ा 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 पानी लेके हमें चलिए इसका एक स्मूथ चीनी ऐड कर देंगे, थोड़ा सा नमक दे करके हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। के लिए हमें इसी तरह का बेटर एकदम स्मूथ चाहिए, इसी तरह से हमें बेटर बनाना है। और आज हम बनाएंगे येलो और ग्रीन कलर का इडली। तो अभी हम इसे 20 मिनट के लिए से पहले हम सॉफ्ट होने के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद हम इसे 20 मिनट बाद हम इसे बनाएंगे इडली को। चने की दाल की इडली ग्रीन और येलो कलर के बनाएंगे। हमारे बेटर का 20 मिनट हो चुका है और अब हम इसे इसमें ऑयल से ग्रीसिंग करके और हम इसमें इडली अपना तैयार करेंगे। हमने एक पैकेट इसमें इनो पाउडर ऐड करके थोड़ा सा पानी मिला करके हमने इसे अपने प्लेट पर वही तरह से डालते जा रहे हैं। एक इनो का पैकेट पूरा लगेगा। एक कप चना दाल में इस तरह से हम सारे खानों में इडली को रखेंगे। तो ये देखिए हमारा ये हरा कलर का इडली बना रही हूँ मैं, वो येलो कलर का है और ये हमारे चने दाल का येलो ग्रीन कलर का इडली। चलिए पानी में उबाल आ चुके हैं और अब हम अपने इडली को ऐड कर देंगे। इस तरह से हम सारे प्लेट्स को ऐड कर देंगे और 8 से 10 मिनट वेट करेंगे। हमारी इडली बन रहे तब तक हम इस इडली की चटनी को बना लेते हैं। हमने यहाँ पर ऑयल लिया है 2 टेबल स्पून और मैंने इसमें चना दाल और बादाम डाला है और डाल करके नारियल इसे हम फ्राई कर लेंगे 5 मिनट। फ्राई करने के बाद हम इसे लहसुन और मिर्चा दे करके हम इसकी एक पेस्ट बनाएंगे। चटनी बना लेते हैं अपने इडली की, चने दाल की इडली की। इसमें मैंने थोड़ा सा तेल दे करके और ये चना दाल है और ये बादाम है, इसे हम इसमें मिक्स कर लेंगे। आपके पास अगर कच्चा नारियल है तो वो डाल दें और अगर सूखा हुआ नारियल है तो वो भी चलेगा। और 3-4 हम लहसुन की कलियाँ ऐड कर लेंगे, एक हरी लाल मिर्च और थोड़ा सा पानी दे करके हम इसे पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारी नारियल, चना दाल और बादाम की चटनी बन के पूरी अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है। अब हम इसे बाहर कर लेते हैं। तो ये हमारी चटनी तैयार हो चुकी है, अब हम इसमें छौंका लगा। हमारी इडली बन के पूरी अच्छी तरह से तैयार हो चुके हैं, बन गया है पूरे अच्छे तरह से तैयार हो चुके हैं। हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ठंडा करके हम इसे बाहर निकाल लेंगे। हम अपनी इडली हमारा ठंडा हो चुका है, अब हम इसे एक नाई की मदद से इस तरह से हम इसे निकाल लेंगे। देखिए कितना आराम से निकल गया, कितना स्पंजी बना हमारा इडली चने की दाल की। इस तरह से हम सारी इडली को निकाल लेंगे। तो ये हमारे इडली तैयार है और डाले हैं थोड़ा सा राई का दाना ऐड करके हम इसे अपनी चटनी में और सा वेट करते हैं इसे फ्राई होने का राई के दाने को। देखिए हमारे चने दाल की इडली बनके पूरी अच्छे तरह से तैयार हो चुके हैं। और अगर आप लोगों को हमारा चने दाल का इडली का रेसिपी अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल वाले घंटी को क्लिक करें ताकि आने वाली लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। और फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक हमारी रेसिपी को शेयर करें। तो फ्रेंड्स वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो हमारे वीडियो को शेयर करें और हमारा सपोर्ट करें। अल्लाह हाफिज़। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है।